वी आर करंटली इन सवाई माधोपुर और अभी हमने चेक इन किया है हमारे रिजॉर्ट में एंड वी आर स्टेइंग इन पुरातन किला एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. लेट मी जस्ट शो यू अराउंड. आई एम श्योर ये रात में और भी खूबसूरत लगेगी जब सारी लाइट्स वगैरह सब चल जाएगी. मेजर रीज़न है टू गो टू द रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि बहुत ही फेमस है अपनी टाइगर सफारीज के लिए. बट बिफोर दैट लेट मी क्विकली गिव यू द रूम टूर. दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन चलती है सवाई माधोपुर के लिए एंड सवाई माधोपुर इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इन केस इफ़ यू वांट टू विजिट द रणथंभौर नेशनल पार्क. जो डिस्टेंस है सवाई माधोपुर का रणथंभौर से वो है सिर्फ 10 किलोमीटर्स का. यहाँ से बहुत ही इजीली कैब्स वगैरह टैक्सीज वगैरह टुक टुक मिलती है रणथंभौर जाने के लिए. यहाँ पे 10 जोन्स में सफारी होती है और आज हम लोग सफारी करेंगे जोन नंबर 7 में. थोड़ा सा रेस्ट और लंच करने के बाद वी वर ऑल सेट फॉर आवर इवनिंग सफारी और हमें पिकअप करने के लिए जीप आ गई थी हमारे होटल के बाहर. हमने जीप में 2 सीट्स बुक करी थी जिसका कॉस्ट हमें पड़ा 2700 रुपीज फॉर 2 पीपल एंड इस जीप में कैपेसिटी होती है 6 पैसेंजर्स की अपार्ट फ्रॉम द गाइड एंड द ड्राइवर. अब शादी शुरू है ना सब लोग? नहीं जी, एक छोटा सा बच्चा भी आएगा हमारे साथ. लास्ट मोमेंट पर बुकिंग करने की वजह से हमको मिला था जोन 7. जोन 7 को बफर जोन कहा जाता है और हमें सबने बोला था कि यहाँ पे इस जोन में टाइगर्स दिखने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है क्योंकि इस पूरे से एरिया में सिर्फ 2 टाइगर्स हैं, एक मेल और एक फीमेल. एंटर होते से ही थोड़ी देर में हमको मिल गए थे स्पॉटेड डियर और सांबर डियर एंड हमारे गाइड ने बताया कि सांबर डियर को टाइगर का फेवरेट फूड कहा जाता है. घंटा सफारी करने के बाद आउट ऑफ नोवेयर हम जहाँ खड़े थे वहाँ पे बहुत ही तेज कॉलिंग होने लगी एंड देखते ही देखते झाड़ियों में से निकल के आया टाइगर. मोमेंट था जिसके लिए हम रणथंभौर आए थे और टाइगर दिखा बट इतनी अच्छे से हमको दिखा दैट इट जस्ट मेड आवर डे. सो आफ्टर एन अमेजिंग सफारी एक्सपीरियंस हम लोग वापस से अपनी प्रॉपर्टी पर आ गए एंड दिस प्लेस इज सो ब्यूटिफुली लिट अप एंड नीचे ना एक कल्चरल प्रोग्राम भी चल रहा है. So let's go there and enjoy the show.
सारी प्रॉपर्टीज में स्टार गेजिंग एक्टिविटी भी होती है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। अभी हमने जस्ट बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस और जुपिटर और सैटर्न को बहुत ही क्लियरली देखा विद देयर मून्स रिंग्स एंड एवरीथिंग। इन फैक्ट यू कैन सी जुपिटर राइट बिहाइंड मी एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मॉर्निंग, सो इट इज़ डे टू इन रणथंबोर एंड आज का प्लान इज़ टू विजिट द रणथंबोर फोर्ट एंड ऑल्सो टू गो टू द गणेश टेम्पल एंड अगर थोड़ा सा टाइम बचता है तो सती माता का मंदिर है जहाँ पे देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वाटरफॉल, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। और कल हमने टाइगर्स को देखा था, सो इट वॉज एन अमेजिंग सफारी एक्सपीरियंस एंड लेट्स गेट दिस डे स्टार्टेड। यहाँ से किले का जो डिस्टेंस है वो लगभग 3 किलोमीटर का है और आप यहाँ पर पैदल भी अंदर किले में जा सकते हैं, अपनी खुद की गाड़ियाँ लेके भी जा सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारी जीप्स चलती हैं जो 20 रुपये पर पर्सन चार्ज करके आपको किले तक छोड़ देती हैं। रणथंभौर के नाम के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका इनिशियल नाम रनत भवर हुआ करता था पर क्योंकि ब्रिटिशर्स से ये नाम नहीं बोला जाता था इसलिए उन्होंने इसको ब्रेक करके रणथंभौर बना दिया। रन मतलब बैटल ग्राउंड, थंब मतलब अ बाउंड्री और अ पिलर और भोर मतलब वैली। रणथंभौर फोर्ट विजिट करने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है और ये किला हर दिन सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। ये पूरा फोर्ट घूमने में कम भी 2.5 से 3 घंटे लगेंगे और मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ पे लोकल गाइड कर लें जो आपको पूरा फोर्ट अच्छे से एक्सप्लेन करें। जैसे क्या रानी सही तेरा राजा उड़ते ने जोर किया था या फिर राजस्थान का पहला रणथंभौर फोर्ट के अंदर। ये एकमात्र ऐसा किला है जहाँ पे अग्नि जौहर और जल जौहर दोनों साथ में हुए थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने महाराणा हमीर सिंह के छूटी हारने की खबर फैलाई थी। यहाँ फोर्ट में ऊपर चलकर एक बेहद ही फेमस त्रिनेत्र गणेश टेम्पल है और ये एकमात्र ऐसा गणेश टेम्पल है जहाँ पे गणेश जी अपनी पूरी फैमिली के साथ विराजमान है, अपनी दोनों बीवियाँ रिद्धि सिद्धि और अपने दोनों बच्चे शुभ और लाभ के साथ। इस मंदिर में आकर लोग अपने घर बनने की मनोकामना करते हैं और एज अ सिंबल पत्थरों से घर भी बना के जाते हैं। वहाँ पे आप सच्चे मन से कुछ मांगते हैं तो वो विश पूरी होती है। सिर्फ गणेश टेम्पल ही नहीं, इस मंदिर में और भी 25 मंदिर हैं, एक दरगाह है और बहुत ही फेमस जैन टेम्पल है श्री संभवनाथ भगवान का और वी बीइंग जैन्स हम उस मंदिर में तो डेफिनेटली गए। This fort is also now a part of UNESCO World Heritage Site and in the coming 2-3 years ये पूरा फोर्ट एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये किला चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। इस पूरे किले को घूम के हमें बहुत ही मज़ा आया और मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप जब भी रणथंभौर आएँ तो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के ये फोर्ट को ज़रूर विज़िट करें। सफारी की बुकिंग ज़रूरी नहीं है कि आप एजेंट्स के थ्रू ही करवाएं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप खुद भी बहुत इजीली बुकिंग्स कर सकते हैं। इनफैक्ट इस तरीके से आपको ज़्यादा चीप पड़ेगी टिकट्स एंड लेट मी क्विकली शो यू द प्रोसेस ऑफ हाउ इट कुड बी डन।